हेलो गाइस, इट्स योर बॉय चिकना ट्रिगु एंड मैंने डिसाइड करा है कि थोड़े टाइम तक मैं ऐसी चिकने वाली लुक में रहने वाला हूँ, तो अब आदत डाल लीजिए। एंड मेरा ये जो पीछे वाला प्ले बटन है, मेरे करियर की तरह ये भी लटक गया है चल गुजरने की कगार पे है। एनीवेज, तो आज हम देखने वाले हैं ऐसी ऐसी वीडियोस जिनको देखने के बाद यू विल बी लाइक, क्या पता ये क्या आएगा यहाँ पे, कोई तो मीम लगाओ। यू विल बी लाइक, सब क्या देखना पड़ रहा है, दर्द है भाई की आवाज में। ओहो, वाह, ओए होए होए, चिप्स मांग रहा है गाइस, चिप्स मांग रहा है। यू नो आई लव्ड द पार्ट व्हेन ही सेड आह, उनके जिस्म से एक आह गूंजी। क्या दर्द था उस आह में, वो दूसरा वाला आह नहीं, तीसरा वाला आह, वो वाला आह में जो पेन थी वो दूसरे वाले आह में नहीं थी। जब्बा, तेरा गांव किधर है? 2000 किलोमीटर दूर। जब जिप ऊपर करते करते हादसा हो जाए। रोहित ने ओम 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 करके जादू को बुलाया था, मैं भी बुलाऊंगा। इट वर्क्स। क्या बुला रखा है? जादू आ गया, जादू जादू जादू, तेरी वजह से मंगल ग्रह से धरती पे आना पड़ा। क्या बवासीर फैला रखी है तूने? जादू अरे भाई साहब, 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 अरे भाई क्या किया, सांप को मार दिया? अरे भाई जानबूझ के थोड़ी ना किया यार, छोड़ जाने दे। दीदी तुम्हें क्या हुआ? दीदी तुम्हें मौत का बता दूंगी। सांप विद सीसीटीवी फुटेज अब है क्या? उसकी आंख में खोल के सीसीटीवी फुटेज देखी है उसने उसकी मौत की। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दीदी तुम्हें मौत का बता दूंगी। ये तो इन दोनों, इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तोतली सांप। तुम दोनों मेरी बहन को, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम कौन हो और हमने तुम्हारी बहन को कब मारा है? जिसे तुम बाइक से मारे वो मेरी बहन थी। अगर ऐसी बात है तब तुम नहीं बचोगी। लिटरल मिली रेंज से गोली मिस करी है उसने यार, मतलब शी स्टैंडिंग एक आर्म के डिस्टेंस पे तेरे सामने और तुझसे गोली नहीं लगी है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब तुम ब्रो लिटरली मिस फ्रॉम मिली रेंज। चल भाग भाई, भाग भाई, वो सांप बन गई है। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, चलते चलते ऐसे ही गिर गए। तुम दोनों नहीं बच गए। आ आ, दीदी आपके मौत का बदला ले लिया। द मोस्ट फेमस लास्ट वर्ड्स, आ आ, मर गए। Still better acting than Ananya Pandey, I guess. मर गए, तोतली नागिन से मर गए, शरम आनी चाहिए सालों को। मैं जानता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो। बस कर मेरे बच्चे, बस कर, बस कर। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। दूध के दांत नहीं निकले, अगले के संदीप महेश्वरी चल रहे। किस्मत को अपनी उंगली पे लेके चलने वालों को बेटा, तेरे को हार्डवर्क किस्मत की नहीं, तेरे को मैमी पोको पैंट्स की जरूरत है। जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा।
लेसन। दादी मैं उनको बताऊंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। एक कच्ची सी हड्डी और किसी देकर जैसे कल रात को पापा ने दिया था मम्मा को। दादी ने अक्षरा को लुक तो ऐसे दिया जैसे अपने बेटे नैतिक को पैदा नहीं डाउनलोड किया हो। फॉर रियल क्या कैसे क्या घूर रही है? अरे अपनी पत्नी को हगी किसी दे दी उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें इतना ऐसी हरकतें करते हो जैसे दादी ने तो खुद का भी कुछ करा ही ना हो अपने बचपन में। बट द बेस्ट पार्ट इस पूरी वीडियो का भाई बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों मुकेश अंबानी दुबई में एक मीटिंग खत्म करने के बाद उन्हें कुछ जरूरी काम के लिए लंदन जाना था। इसके लिए उन्होंने फ्लाइट पकड़ी पर अचानक प्लेन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आ गए। अपने बीच में दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर रोनाल्डो को पाकर सब लोग डांस करने लगे पर मुकेश अंबानी चुपचाप बैठे रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोचा कि ये सारे लोग मेरे साथ डांस करने को मरे जा रहे हैं पर ये कौन है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुकेश अंबानी के पास गए और पूछा, भाई साहब क्या तुम्हें डांस नहीं आता? मुकेश अंबानी ने कहा, मैं डांस करता नहीं करवाता हूँ। तुम जो ये डांस कर रहे हो वो भी मेरे लिए ही कर रहे हो। रोनाल्डो ने कहा, मैं किसी के लिए डांस नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से ही इन लोगों के लिए डांस कर रहा था। मुकेश अंबानी ने कहा, तुम गलत फहमी में जी रहे हो रोनाल्डो, क्योंकि जिस प्लेन में तुम डांस कर रहे हो वो मेरा प्राइवेट प्लेन है। अगर तुम चाहते हो कि सुरक्षित लंदन पहुंच जाओ तो जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, नाचते रहो। दोस्तों प्लेन उड़ता रहा, रोनाल्डो नाचते रहे। रियल है गाइस, रियल है। आई वाज द प्लेन। पहले तो हु द हेल इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसका नाम तक नहीं बोला जा रहा, अगले से वीडियो बनानी है। दोस्तों एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंबानी जी के प्लेन में तैर रहे थे। यूट्यूब इज फुल ऑफ सच फेक न्यूज वाले छपरीज जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम टाइटल और थंबनेल में लगा के कुछ भी वीडियो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, देखिए कैसे एक भिखारी ने रोनाल्डो का घमंड तोड़ा। दरअसल फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो एक बार अपना प्राइवेट प्लेन से कहीं जा रहे थे लेकिन प्लेन में कुछ खराबी का वजह से प्लेन स्पीड नहीं पकड़ रहा अच्छा। था तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फौरन मैकेनिक को बुलाया गया लेकिन घंटों प्रयास के बाद भी प्लेन का इंजन ठीक नहीं हुआ। मैकेनिक ने कहा इसे ठीक करने में 2-3 दिन लगेगा। तभी वहाँ बैठा एक भिखारी बोलता है, साहब मैं आपके प्लेन का प्रॉब्लम मिनटों में ठीक कर दूंगा। भिखारी इसी मोमेंट का वेट कर रहा था अपनी पूरी जिंदगी के एयरपोर्ट पे मैं बैठता हूँ ताकि एक दिन रोनाल्डो का प्लेन खराब होगा जिसको मैं ठीक कर दूंगा। भिखारी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ तो साले कुछ भी। भिखारी की बात सुनकर रोनाल्डो बोले, नहीं तुमसे नहीं होगा। तो भिखारी ने हंसते हुए कहा, साहब खा गए ना धोखा, मैं पहले मैकेनिक ही था लेकिन उससे ज्यादा पैसा इस फील्ड में था तो मैं भिखारी बन गया। रोनाल्डो ने कहा, ठीक है जो करना है करो। तो भिखारी तुरंत इंजन के पास गया और एक मामूली पेचकस लेकर इधर उधर कुछ किया और बोला, लीजिए साहब आपका काम हो गया। तो रोनाल्डो ने खुश होकर भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? दिस इज नॉट इवन कॉमेडी। अगर तुम सर्च करोगे ना रोनाल्डो का भिखारी ने घमंड तोड़ा तो तुमको यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगी और हर एक ने यही एग्जैक्ट भिखारी, यही एग्जैक्ट रोनाल्डो की नाचते हुए वाली वीडियो, यही टाइटल के साथ और कुछ लोग इसको एक्चुअली सच भी मान रहे। नहीं रियल है, रियल है गाइस। मैं ही वो प्लेन था जिसके दो पेज कसे थे, आज भी मेरे यहाँ दो निशान। खुश होकर भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? तो भिखारी ने कहा, नहीं मैं यहीं रहता हूं। जो सामने बंगला देख रहे हो? रोनाल्डो ने झट से कहा, अच्छा आप उसके पीछे रहते हो? तो भिखारी ने कहा, नहीं वो बंगला मेरा ही है। वो घर भी मैं ही था, वो भिखारी भी मैं ही था, वो प्लेन भी मैं ही था। एकदम रियल ट्रू स्टोरी है। तो एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी कार से जर्मनी जा रहे थे। सालो तुमसे नाम तक तो लिया नहीं जाता उसका, तुमसे रोस्ट तो लिखा नहीं जाता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोस्टे हुए, रोस्टे, रोस्ट को रोस्टे लिखने वाले लड़के। मगर लौटते समय उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। कार में हुई इस खराबी के चलते आसपास की मैकेनिक की टीमों को बुलाई गई। मैकेनिक काफी समय से कोशिश करते रहे फिर भी वो कार ठीक नहीं कर पाए, इसलिए बाहर एक कबाड़ी वाला निकल के आया जो रोनाल्डो का सच्चा फैन था। कबाड़ी वाले ने कहा, सर क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता? पहले ये भिखारी था, एयरपोर्ट पे भीख मांगता था, अब ये सड़कों पे कबाड़ का काम भी करता है ये। मगर रोनाल्डो ने कहा, मुझे अपनी गाड़ी ठीक करानी है, ना ही कबाड़ी वाले को बेचना है, इसीलिए तुम यहाँ से
निकल जाओ। कवारी वाले ने ये सुनकर कहा कि मैं जर्मनी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मगर कवारी में बहुत पैसा है, इसीलिए मैं कवारी का काम करता हूँ। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। टाइम कुछ ज्यादा ही खराब आ गया है। हर किसी को यूट्यूबर बनना है, हर एक के हाथ में फोन है, फ्री इंटरनेट है, तो कुछ भी बकवास बनानी है मैं भी बना सकता हूँ। एक बार रोनाल्डो अपने कुत्ते को सहला रहे थे, तभी उनका कुत्ता जोर से भौंकने लगा। अपने भौंकते हुए कुत्ते को देखकर रोनाल्डो ने उससे पूछा, क्या हुआ टॉमी, तू क्यों भौंक रहा है? तब रोनाल्डो का कुत्ता टॉमी उनके ऊपर मूत दिया। पास में खड़ा एक बच्चा रोनाल्डो पर मूत गिरता देख बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तभी रोनाल्डो उस बच्चे पर गुस्सा हो गए और उसके माँ बाप को जेल भेज दिया। तभी उस बच्चे ने बदला लेने की प्रतिज्ञा ले ली और उस बच्चे ने फिर बड़े होके रोनाल्डो के अगेंस्ट 6000 गोल मारे। वो बच्चा मेसी था। Anybody can be a YouTuber man. कुछ भी बकवास करो, बस बैकग्राउंड में इंटेंस सा म्यूजिक लगा दो और उसके ऊपर भाई भारी भरकम सी आवाज करके ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हो गया। मैडम कहाँ घुसे आ रही हैं आप? मुझे ऐसे ही रहने दो भैया प्लीज। आप मेरे कंबल में क्यों घुसे हो? हाँ मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। क्या भैया? वो मेरी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है। ये पुलिस वाला तो यहीं आ रहा है। क्या कर रहे भैया? मेरे हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से जा रही थी, इसने अपना पैर अड़ा के मुझे अपने बिस्तर में ले लिया। ये झूठ बोल रही है। एक लड़की अपनी इज्जत क्यों लुटवाएगी? चल पुलिस स्टेशन। सर सर कुछ ले दे के बात खत्म करते हैं। चल ठीक है। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा डर गया है। तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग जो करी है। इतने पैसे हटे इससे? 10,000 की डिमांड करे। मुझे उनको 10,000 रूपए देना। 10,000 रूपए? तुम दोनों का केस रफा दफा कर दूँ। अरे नहीं नहीं साहब, मैं कुछ देखता हूँ। अरे साहब बैग तो चेक कर लो एक बार, उसमें पूरे पैसे है भी या नहीं। ये तो नकली नोट है। होशियारी करता है। मैं प्रतीक फ्रॉम क्राइम ब्रांच। तुम्ही लोग ना वो कंबल गैंग? बहुत शौक है ना तुझे नकली पुलिस बनने का। तुझे बताऊंगा कि असली पुलिस क्या होती है। What in the crime patrol? Uno reverse card. Holy mother of God. Hey भगवान मुझे उठा ले, ये क्या कचरा देख लिया? Did I just watch? लौट आओ सल्लू भाई, इन फुटपाथ पर हगने वालों से अब तुम ही बचा सकते हो। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। For real, ये दिमाग से पैदल लोग लूट भी देखो किसको रहे हैं, जो खुद सड़क पे सो रहे हैं। अबे वो खुद होमलेस है, तू उससे पैसे लूट रहे। This was such a urinary bladder touching video. पेशाब में मेरी किडनी का पत्थर भी निकल गया। खुद के जोक्स पे हंसने वाले लड़के। Anyways guys, that is it for this video. I hope आप लोगों को ये inspirational, motivational, heart touching, kidney touching video जो है पसंद आई हो। अगर आई हो तो इस video को like करना and I'll see you guys in the next one. तब तक के लिए thanks for watching.